Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? I'm fine. आपको ये राष्ट्रीय गौरव अवार्ड पाकर कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। काफी खुशी की बात है कि मुझे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड की टीम ने मुझे इसके लिए चुना और ये इंडिया के टॉप 30 लोगों को एक अवार्ड दिया गया है। और जहाँ तक बात है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा, हर उस आदमी को जिसमें अगर कोई सी सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है। इसी श्रेणी में देखा जाए तो मैं भी उस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड का मैं हिस्सा बना, मुझे ये मिला, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत आपार प्रसन्नता हो रही है। आपको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मुझे एजुकेशन के फील्ड में दिया गया जाता है, स्पेशली ट्रांसजेंडर पर काम करने के लिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर की आवाज़ मैं 2016 से उठा रहा हूँ। उस पर मैंने दो किताबें एडिट की हैं। ये किताब जो है अलीगढ़ वांग्मय पब्लिकेशन से 2016 में आई थी और ये किताब 2019 में जर्मनी के लैम्बर्ट एकेडमिया पब्लिशिंग हाउस से आई हुई थी। तो उसमें लगातार मैंने उनकी आवाज़ उठाया, बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पर सेमिनार में भी मैंने उनकी स्टेन पेन मार्टिनलाइजेशन को तमाम चीज़ों को जो है मैंने क्या किया, मैंने उस आवाज़ को उठाया। एंड यू विल कम टू नो कि काफ़ी हद तक मैं लगातार जो है उस पर रहा था और जितने भी प्लेटफॉर्म मुझे मिले थे उस सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने उनकी बात को रखा, खास करके उनके मार्टिनलाइजेशन का जो कारण था, हाशिए पर जाने का कारण था, सोसाइटी उनको कैसे ले रही है, सोसाइटी की सोच क्यों नहीं बदल रही, माता पिता उनको क्यों याद रखते हैं, वे भी हमारी ज़मीन के, हमारी समाज के हिस्सा है, इसी ज़मीन पर रहेंगे, इसी उस पर रहेंगे, और इसके बावजूद भी उनको इतना क्यों पीड़ा करनी पड़ती है। तो इस कदम का परिणाम यह निकला कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सीसी टीम है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है वो भी इस पर काम कर रही है और हिंदी में तो बहुत बड़ा काम डॉक्टर विनोद सर ने किया और 100 से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर हिंदी में इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और आप ये श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय निश्चित तौर पर मैं अपने माता पिता और अपने प्यारे बच्चों आदिल अजीम और आदिमा शरीफ को देना चाहूँगा, जिन्होंने कंधे कंधा मिलाकर जब भी जरूरत हुई तो मेरे साथ खड़े रहे और अपनी प्यारी मुस्कान उन्होंने हमेशा बिखेरा। जब मैंने लेट नाइट की स्टडी किया तब भी वो जो है कभी उनकी तरफ से नहीं हुआ कि आप वीकली आते हैं या क्यों आप जो मुझे समझ नहीं दे रहे। तो अनडाउटली इसका श्रेय जो है मेरे प्यारे बच्चों को जाएगा, परिवार के सदस्यों को जाएगा और साथ ही साथ इसका श्रेय मैं स्पेशली अगर देखा जाए तो डॉक्टर फिरोज सर को देना चाहूँगा, चूँकि उनकी सोहबत में रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ किया। तो एक डॉक्टर फिरोज सर को भी और साथ ही साथ जो विकास पब्लिकेशन है वर्मा सर है मैं उन सबको देना चाहूँगा और इसके अलावा जो है घर के जितने मेरे मेम्बरान हैं सदस्य उनके बारे में बात करना चाहूँगा और अपनी पत्नी शंकुआ श्री डॉक्टर को स्पेशली करूँगा, चूँकि बहुत ही जब मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ उस समय भी अगर मैं कभी लेक्चर देने के लिए ऊपर आया या है और किसी प्लेटफॉर्म पर मैं रहा तो शी नेवर पजेस्ड शी नेवर इंपायर्ड एंड ऑलवेज शी सपोर्टेड मी शी स्टूड विद मी शी फेवर्ड मी दिस इज माय क्रेडिट गोज टू माय वाइफ आल्सो एंड आल्सो माय स्वीट एंड ब्यूटीफुल चिल्ड्रन आदि आदि एंड आई थैंक्स फॉर इंटरव्यूइंग मी आदि।